I'm Dr. Abha Kumari. In this video, I'm going to teach you international market segmentation. At first, meaning. International market segmentation refers to the process of dividing its total international market into one or more parts, segment or sub-market, each of which tends to be homogeneous in all significant aspects. हिंदी में इसे हम समझ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन के नाम से ही प्रतीत हो रहा है सेगमेंटेशन यानी साधारण अर्थों में कहें विभाजन, छोटे छोटे पार्ट में बांट लेना. रिफर्स टू द प्रोसेस, प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप, यानी कोई भी काम अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो प्रोसेस में हुआ, जो मैं आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था. और डिवाइडिंग इज टोटल इंटरनेशनल मार्केट, यानी इंटरनेशनल मार्केट को हमको डिवाइड करना है कितने पार्ट में, या तो एक या फिर एक से ज्यादा और मोर पार्ट, सब मार्केट में, छोटे छोटे मार्केट में बांट देना है. ईच ऑफ व्हिच टेंड्स टू बी होमोजीनियस, जो हमें सबसे जरूरी बात इसमें ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है, होमोजीनियस. होमोजीनियस इन ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, यानी हमें सिमिलर बिहेवियर नेचर, होमोजीनियस यानी सिमिलैरिटी, होमोजीनियस नेचर पर ही पूरे मार्केट को सब डिवाइड करना है. इन अदर वर्ड इट इज अ प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी पहचानना है ए ग्रुप ऑफ सेट ऑफ अ पोटेंशियल कस्टमर, यानी हमें एक ग्रुप को बनाना है जो कि पोटेंशियल कस्टमर हो सके एट किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल, वो एग्जिबिट सिमिलर बाइंग बिहेवियर, यानी हमें पहचानना है वो कस्टमर को जो कि पोटेंशियल कस्टमर है और उन्हें अपने आप को हमारे कंपनी की ओर मोड़ लेना है, जिनकी बाइंग बिहेवियर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, सिमिलर बाइंग बिहेवियर जो मैं ऊपर आपको डिस्कस की थी, होमोजीनियस, यानी हर मार्केट का कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर होगा वो क्या रहेगा, सिमिलर होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर टोटल इंटरनेशनल मार्केट को हम तीन पार्ट में बांट दें, तीन सब मार्केट में बांट दें, जैसे यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट एंड एशियन मार्केट, तो हम देखेंगे कि यूएस मार्केट के जो कस्टमर होंगे उनकी बाइंग बिहेवियर आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ऑलमोस्ट सेम होती है. यूरोप मार्केट के जो कस्टमर होंगे उनकी बाइंग बिहेवियर सेम होगी, और एशियन मार्केट होंगे तो उनके भी कस्टमर की बाइंग बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होती है. Now the next point of this video, importance of international market segmentation. यानी क्या importance है अगर हम international market का segmentation करते हैं, बांट देते हैं, तो उसकी क्या हमें फायदे मिलेगी. तो सबसे पहले क्या फायदा मिलेगा, minimize aggregations of risk, risk factor हमारा क्या होगा, बिल्कुल minimize हो जाएगा. helps to know company strength and opportunity, हमें स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी की जानकारी मिल जाएगी. यानी सेगमेंट वाइज बांट देने से, इंटरनेशनल मार्केट के सेगमेंटेशन करने से हमें कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाती है और हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड मार्केट, ये सबसे हमें फायदेमंद साबित होगा, ये हमें अपॉर्चुनिटी देती है. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू क्या क्या करने का, एक्सपांशन ऑफ मार्केट, मार्केट एक्सपैंड हो जाएगा. इट क्रिएट इनोवेशन, ये हमें इनोवेटिव बनाती है, क्रिएटिव बनाती है. और इट क्रिएट गेन टू कंज्यूमर, और जो जिस पर्पज से ही हम इंटरनेशनल मार्केट की ओर गए हैं, हमें कस्टमर की क्या हो जाएगी, प्राप्ति होगी, गेन टू कंज्यूमर. नदा नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट का सेगमेंटेशन कर लेते हैं तो सिलेक्शन एंड पोजीशनिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, यानी इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन करने के बाद हमें देखना पड़ेगा पोजीशंस के बारे में कि हमारा क्या पोजीशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में, और अपने पोजीशंस के अनुसार ही हमें सिलेक्शंस करना होगा. तो इसके लिए कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा, तो हमें ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा. पहला काम क्या करना होगा कि हमें सेगमेंटिंग करना होगा इंटरनेशनल मार्केट को, सेगमेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट, पहले हमें सब डिवाइड कर लेना है इंटरनेशनल मार्केट को. देन इवैल्यूएटिंग ऑफ सेलेक्टिंग मार्केट, यानी हमें इवैल्यूएशन करना है, किसका इवैल्यूएशन करना है, जिस मार्केट का हमने क्या कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है. जब हमने सेगमेंटिंग कर ही लिया, इवैल्यूएशन कर ही लिया, मार्केट का सिलेक्शन कर ही लिया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि सिंगल सेगमेंट पे कंसंट्रेशन करना चाहिए, यानी उस मार्केट पर हमारा फुल फोकस होना चाहिए, हमें कंसंट्रेशन करना चाहिए. फिर हमें ध्यान देना चाहिए स्पेशलाइजेशन की ओर, तो क्या क्या स्पेशलाइजेशन हो सकता है, सिलेक्शन स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन,
नेक्स्ट मार्केट स्पेशलाइजेशन, यानी हमें सेलेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या स्पेशलाइजेशन है उस मार्केट का, कौन सा प्रोडक्ट वहां का स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, उस मार्केट का क्या स्पेशलाइजेशन है। जब ये सारे काम हम कर लिए, सेगमेंटिंग कर लिए, इवैल्यूएशन कर लिए, कंसंट्रेशन कर लिए, सेलेक्शन कर लिए, प्रोडक्ट का सेलेक्शन कर लिए, देन मार्केट का भी स्पेशलाइजेशन हमने चेक कर लिया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हमारा फुल मार्केट पे कवरेज हो जाना चाहिए, फुल मार्केट कवरेज। और जब हम मार्केट पर कवर कर ही लिए हैं, तो फिर हमें चेक करना चाहिए कि पोजीशनिंग ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी हमें देखना चाहिए कि हम अपने कॉम्पिटिटर से किस पोजिशन पे हैं, तो हमें अपना चेक कर लेना चाहिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट, चूजिंग पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज, फिर हमें एक स्ट्रैटेजीज बनाना होगा जिसको हम चूज कर सके कि जिससे कि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो जाएं, और आइडेंटिफाइंग करना है पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो सारे पॉसिबिलिटी जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सके, उसका हमें पहचान होनी चाहिए। इसके लिए हमारा इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम मार्केट में जाते हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, पीपल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, लार्ज नंबर पर हमारा एक पैनल होना चाहिए प्रोडक्ट का। फिर पीपल डिफरेंशिएशन, हमें पीपल को भी डिवाइड करके देख लेना चाहिए कि कौन कौन से पीपल हैं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, तो पीपल डिफरेंशिएशन होना चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एंड ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, अब हमारा फोकस होना चाहिए किस स्ट्रेटजीज की ओर, ओवरऑल स्ट्रेटजीज, ओवरऑल स्ट्रेटजीज। तो हम देखेंगे क्या हमारा स्ट्रेटजीज पॉलिसी होना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, डिस्प्ले स्ट्रेटजीज, सुपरिटिव स्ट्रेटजीज, कम्युनिकेबल स्ट्रेटजीज, प्रमोटिव स्ट्रेटजीज, अफोर्डेबल स्ट्रेटजीज एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज। यानी हम जिस स्ट्रेटजीज को चुने, वो देखना चाहिए वो मेरे लिए कितने फायदेमंद है, कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो डिस्प्ले करना चाहिए, उसमें सुपरिटरी हमारा होना चाहिए, वो कम्युनिकेबल होना चाहिए, हमें उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, प्रिमिटिव होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए जिसको हम अफोर्ड कर सके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो हमारे लिए वो स्ट्रैटेजीज कैसा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, क्योंकि हम मैक्सिमम यूज प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही इंटरनेशनल मार्केट में एंटर किए हैं, तो हमारा स्ट्रैटेजीज प्रॉफिटेबल होना बहुत कंपल्सरी है। इस वीडियो में मैंने इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन पे फोकस किया है। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी वो इंटरनेशनल मार्केट प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन पे बेस्ट होगा। थैंक यू।